Assalamualaikum everyone, मैं हूं नदीम शहजाद फ्रॉम गैलेक्सी मोबाइल। तो आज हम एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं टेक्नो के दो ऐसे मोबाइल जो कि स्पार्क सीरीज के लेटेस्ट मोबाइल फोन है, एक टेक्नो स्पार्क 20 प्रो और दूसरा जो वेरिएंट है स्पार्क 20 प्रो प्लस वेरिएंट है। इन दोनों मॉडल का आज हम कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे इन मॉडल में किन चीजों का फर्क है, इनकी प्राइस में कितना डिफरेंस है, इनके प्रोसेसर में क्या फर्क है और जो मेन चीज है इनके कैमराज में कितना डिफरेंस है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें टेक्नो के स्पार्क 20 प्रो की तो ये 8+8 रैम और 256 GB वाला ये मोबाइल फोन है। अगर हम बात करें इस मॉडल के कलर्स की तो कलर हमें स्पार्क 20 प्रो में 3-4 तरह के कलर मिलते हैं, जिस कलर की आज हमने अनबॉक्सिंग की है वो मैजिक स्किन ग्रीन इस मॉडल का कलर है। तो अनबॉक्स करते ही हमें मोबाइल डिवाइस मिल जाती है। मोबाइल डिवाइस के ऊपर वाले रैप की अगर हम बात करें इसमें हमें स्पार्क 20 प्रो की ब्रांडिंग नजर आ जाएगी। 108 MP कैमरे को मैंशन किया गया, G99 प्रोसेसर को मैंशन किया गया और इस मॉडल के डुअल स्पीकर को मेंशन किया गया। तो मोबाइल को ऑन कर लेते हैं जी अंदर और मोबाइल के ऑन होने तक हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं टेक्नो के स्पार्क 20 प्रो प्लस की। अगर हम बात करें इस मॉडल की रैम मेमोरी की तो ये भी 8+8 रैम और 256 GB वाला मोबाइल फोन है। अगर हम बात करें कलर्स की तो कलर हमें इस मॉडल में भी 3-4 तरह के मिलेंगे, जिस कलर की आज हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं वो लूनर फ्रॉस्ट इस मॉडल का कलर है। तो अनबॉक्स करते ही हमें इस मॉडल में भी सबसे पहले एक बॉक्स मिल जाता है, इसे बाद में ओपन करते हैं, पहले हम निकाल लेते हैं जी अपनी मोबाइल डिवाइस को। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस मॉडल के फ्रंट पे जो हमें ब्रांडिंग नजर आ जाएगी वो स्पार्क 20 प्रो प्लस की ब्रांडिंग नजर आ जाएगी। 120 रिफ्रेश रेट को मेंशन किया गया, 108 MP के इस मॉडल के भी मेन कैमरे को हाईलाइट किया गया और मोबाइल को कर लेते हैं जी हम ऑन। तो दोनों मोबाइल के ऑन होने तक हम चेक कर लेते हैं इन मॉडल की एसेसरी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें टेक्नो के स्पार्क 20 प्रो की तो स्पार्क 20 प्रो में हमें जो बैक केस मिलता है इसकी क्वालिटी की बात करें तो आप चेक कर सकते हैं कि बिल्कुल सॉफ्ट साइज मॉडल में हमें बैक सिलिकॉन केस दिया गया। इसके अलावा हमें 13 माह की वारंटी कार्ड दी गई कॉल केयर की। अब अगर हम बात करें इस मॉडल में जो अडाप्टर मिलता है स्पार्क 20 प्रो में वो 33 वाट का फास्टली अडाप्टर दिया गया जो कि फास्टली चार्ज करेगा। इसके अलावा केबल की बात करें तो केबल हमें टाइप ए टू टाइप सी वाली केबल मिल जाएगी। तो इसके अलावा बॉक्स में हमें सिम इंजेक्टर देगी। अब अगर हम बात करें टेक्नो के स्पार्क 20 प्रो प्लस में हमें जो चीजें मिलती हैं, सबसे पहले इसमें जो मेन चीज है वो इस मॉडल का स्क्रीन प्रोटेक्टर दिया गया, वो आप चेक कर सकते हैं कि एक अच्छी क्वालिटी वाला एमोलेड जो कर्व डिस्प्ले वाला इस मॉडल में हमें स्क्रीन प्रोटेक्टर मिल जाएगा जो कि स्पार्क 20 प्रो में नहीं दिया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें इस मॉडल में जो बैक केस है उसकी क्वालिटी की बात करें तो वो आप चेक कर सकते हैं कि ये भी हमें बहुत सॉफ्ट सा और जो एक अच्छी क्वालिटी वाला वाइट सिलिकॉन केस दिया गया। इसके अलावा हमें 1 ईयर 13 माह की वारंटी कार्ड इसमें भी मिल जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें इस मॉडल में हमें जो अडाप्टर मिलता है तो वो दोनों मॉडल में हमें सेम क्वालिटीज के अडाप्टर दिए गए जो कि 33 वाट का अडाप्टर हमें स्पार्क 20 प्रो प्लस में मिलेगा और स्पार्क 20 प्रो में भी हमें सेम क्वालिटी का 33 वाट का अडाप्टर मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस मॉडल में हमें जो केबल दी गई है तो केबल हमें टाइप ए टू टाइप सी वाली इसमें भी केबल दी गई जो कि दोनों मॉडल में सेम चीज है। इसके अलावा सिम इंजेक्टर दोनों में दी गई है। तो मोबाइलों की हम सेटिंग कर लेते हैं जी दोनों की कंप्लीट। तो दोस्तों दोनों मोबाइल की सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। सबसे पहले अगर हम बात करें मोबाइल की बैक डिजाइन की तो बैक डिजाइन आप चेक कर सकते हैं कि दोनों में हमें डिफरेंट डिजाइन देखने को मिल जाते हैं। अगर हम बात करें स्पार्क 20 प्रो की तो इसमें हमें जो बैक डिजाइन है वो आप देख सकते हैं कि इसमें आईफोन की लुक वाला हमें ट्रिपल सेटअप के साथ जो मेन कैमरा लेंस है वो 108 MP का मिलेगा और इसमें हमें LED फ्लैश लाइट मिल जाएगी। अब अगर हम बात करें इस मॉडल की बैक की तो बैक हमें जो लेदर फील वाली इस मॉडल की हमें बैक दी गई है जो कि एक शाइनिंग वाली और लेदर डिजाइन वाली इसमें बैक दी गई है। अब अगर हम बात करें इस मॉडल की जो साइडों की तो राइट साइड पर हमें साइड माउंटेड फिंगर दिया गया, वॉल्यूम अप डाउन कीज दी गई है। मोबाइल की नीचे वाली साइड की बात करें तो नीचे वाली साइड पे हमें हैंड फ्री जैक का ऑप्शन दिया गया, माइक का ऑप्शन मिल जाएगा। टाइप सी की हमें चार्जिंग पोर्ट इस मॉडल में दी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस मॉडल में स्पीकर की तो स्पीकर डुअल स्पीकर दिया गया जो कि मोबाइल की नीचे वाली साइड पे भी और मोबाइल के ऊपर वाली साइड पे भी हमें डुअल स्पीकर का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा मोबाइल की लेफ्ट साइड पे सिम ट्रे का ऑप्शन दिया गया, वो भी आपको चेक करवा देता हूँ। दोस्तों सिम ट्रे की बात करें तो सिम ट्रे में हमें डुअल सिम डालने के लिए ऑप्शन दिया गया और SD कार्ड डालने के लिए अलग से इस मॉडल में हमें स्लॉट मिल जाती है। अब अगर हम बात करें टेक्नो के स्पार्क 20 प्रो प्लस की तो स्पार्क 20 प्रो प्लस में हमें जो बैक कैमरा लेंस है वो ट्रिपल सेटअप के साथ इसमें भी 108 MP का मेन कैमरा लेंस मिल जाएगा। इसके अलावा हमें डुअल जो LED फ्लैश लाइट दी गई जो कि हैवी इसमें LED फ्लैश लाइट दी गई है। मोबाइल की बैक की बात करें तो बैक हमें मैट फिनिशिंग वाली इस मॉडल में बैक दी गई है। मोबाइल की राइट साइड पे हमें पावर की का ऑप्शन दिया गया, वॉल्यूम अप डाउन कीज दी गई है।
मोबाइल की नीचे वाली साइड की बात करें तो नीचे वाली साइड में हमें सिम ट्रे का सबसे पहले ऑप्शन मिलता है, इसे ओपन करके मैं चेक करवा दूं। दोस्तों सिम ट्रे की बात करें तो सिम ट्रे में हमें डुअल सिम डालने के लिए ही ऑप्शन दिया गया, एसडी कार्ड डालने के लिए इसमें ऑप्शन नहीं मिलता। इसके अलावा इसमें हमें मोबाइल की नीचे वाली साइड पे माइक का ऑप्शन दिया गया है, टाइप सी की चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगी। डुअल इस मॉडल में हमें स्पीकर मिल जाएगा जो कि मोबाइल की नीचे वाली साइड पे भी और मोबाइल के ऊपर वाली साइड पे भी हमें डुअल स्पीकर का ऑप्शन मिल जाएगा। अब अगर हम बात करें मॉडल के फ्रंट डिस्प्ले की तो डिस्प्ले आप चेक कर सकते हैं कि जो स्पार्क 20 प्रो वेरियंट है ये हमें फ्लैट डिस्प्ले मिलता है, और स्पार्क 20 प्रो प्लस जो वेरियंट है वो हमें एमोलेड डिस्प्ले वाला कर्व डिस्प्ले दिया गया। इनके डिस्प्ले साइज की बात करें तो डिस्प्ले साइज हमें 6.78 इंच के दोनों मॉडल में हमें सेम डिस्प्ले दिए गए, लेकिन इनकी क्वालिटी की बात करें तो ये हमें स्पार्क 20 प्रो जो वेरियंट है 128 रिफ्रेश रेट वाला IPS इस मॉडल में हमें डिस्प्ले मिलेगा। 20 प्रो प्लस की बात करें तो ये भी हमें 120Hz रिफ्रेश रेट वाला एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा जो कि एक हाई रेजोल्यूशन वाला इस मॉडल में हमें डिस्प्ले मिलता है। क्योंकि जो डिस्प्ले का फर्क है कि एक तो स्पार्क 20 प्रो जो वेरिएंट है ये फ्लैट डिस्प्ले है, और दूसरा ये IPS डिस्प्ले हमें मिलता है स्पार्क 20 प्रो में। 20 प्रो प्लस की बात करें तो ये हमें एमोलेड डिस्प्ले के साथ कर्व डिस्प्ले मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें मॉडल के फ्रंट कैमराज की तो फ्रंट कैमरा हमें दोनों मॉडल में ही 5 होल वाले इन मॉडल में फ्रंट कैमरास दिए गए जो कि 32 मेगापिक्सल के सेम क्वालिटी वाले इनके फ्रंट कैमरास दिए गए। अब मैं इनकी पिक्चर क्लिक करके इनका दोनों मॉडल का आपको रिजल्ट भी चेक करवा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं पिक्चर क्लिक कर लेता हूँ जी स्पार्क 20 प्रो की। तो दोस्तों अगर हम बात करें मॉडल की पिक्चर क्वालिटी की तो पिक्चर क्वालिटी में दोनों मॉडल ही 108 मेगापिक्सल के बैक कैमरा दिया गया, और इनकी पिक्चर क्वालिटी भी दोनों मॉडल में हमें सेम क्वालिटी इसकी दी गई है, लेकिन इनमें IPS और एमोलेड होने की वजह से थोड़ा सा पिक्चर क्वालिटी में थोड़ा सा फर्क लग रहा है, लेकिन इनकी जो ऑलमोस्ट पिक्चर क्वालिटी है वो सेम दी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें मॉडल के फ्रंट कैमराज की तो वो भी सेम कर दिए गए, तो इनका रिजल्ट भी चेक करवा देता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों फ्रंट कैमराज की बात करें तो फ्रंट कैमराज भी आप चेक कर सकते हैं कि दोनों में हमें जो पिक्चर क्वालिटी है वो दोनों में सेम क्वालिटी की पिक्चर क्वालिटी दी गई है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ इनकी एमोलेड होने की वजह से थोड़ा सा पिक्चर क्वालिटी बेहतर फील होती है 20 प्रो प्लस में, लेकिन इनकी अगर हम बात करें इनकी 32 मेगापिक्सल के कैमरेज की वजह से इनकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो दोनों में सेम दी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें इनके कैमराज को जब ओपन करते हैं तो इनमें जो हमें फीचर्स मिलते हैं 20 प्रो की बात करें तो इसमें हमें फोटो का ऑप्शन दिया गया, फिल्म वीडियो का ऑप्शन दिया गया, फिल्म का ऑप्शन दिया गया, पोर्ट्रेट का ऑप्शन दिया गया, सुपर नाइट का ऑप्शन मिल जाएगा। मोर पे जाएं तो मोर पे हमें शॉर्ट वीडियो का ऑप्शन दिया गया, स्लो मोशन का ऑप्शन मौजूद है जी, स्काई शॉप का ऑप्शन मौजूद है, सुपर मैक्रो का भी ऑप्शन दिया गया। इसके अलावा जो मेन हाइलाइट है वो इस मॉडल में डुअल वीडियो बनाने का ऑप्शन अलग से इस मॉडल में हमें ऑप्शन मिल जाएगा, वो आप चेक कर सकते हैं कि इसमें आप डुअल कैमरा वीडियो को क्लिक करते हैं तो ये फ्रंट बैक की एक टाइम पे वीडियो रिकॉर्ड करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें इनके फ्लैश लाइट की तो फ्लैश लाइट हमें बैक पे भी मिलती है और फ्रंट कैमरे के साथ भी डुअल फ्लैश लाइट का ऑप्शन मिल जाएगा। अब अगर हम बात करें 20 प्रो प्लस की तो इसमें हमें जो ऑप्शन मिलते हैं इसमें भी फोटो का ऑप्शन दिया गया, वीडियो का ऑप्शन मिल जाएगा, फिल्म का ऑप्शन मौजूद है जी, आल कैम का ऑप्शन दिया, पोर्ट्रेट का ऑप्शन दिया गया, सुपर नाइट का ऑप्शन मिल जाएगा। मोर पे जाए तो मोर पे हमें सेम ऑप्शन मिल जाएगा, डुअल वीडियो का ऑप्शन दिया गया, शॉर्ट वीडियो का, स्लो मोशन का, इसके अलावा प्रो का ऑप्शन इस मॉडल में भी हमें ऑप्शन मिल जाएगा। अब अगर हम बात करें मॉडल के एंड्रॉयड वर्जन की तो एंड्रॉयड वर्जन हमें जो स्पार्क 20 प्रो वेरियंट है इसमें हमें एंड्रॉयड 13 दिया गया, 20 प्रो प्लस की बात करें तो इसमें हमें एंड्रॉयड 14 दिया गया। इनमें एंड्रॉयड वर्जन का भी फर्क है कि एंड्रॉयड 14 इसमें लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन दिया गया और इसमें एंड्रॉयड 13 दिया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें मॉडल के प्रोसेसर की तो प्रोसेसर ऑक्टा कोर के मॉडल में प्रोसेसर दिए गए। इसके अलावा अगर हम बात करें मॉडल के चिपसेट की तो चिपसेट हमें दोनों मॉडल में सेम दिए गए जो कि मीडियाटेक हीलियो G99 के इन मॉडल में चिपसेट दिए गए हैं। अब अगर हम बात करें मॉडल की बैटरी की तो बैटरी हमें 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिल जाएगी जो कि दोनों मॉडल में सेम है, इनकी बैटरी भी सेम है। इनकी वेट की बात करें तो वेट दोनों मॉडल का ऑलमोस्ट हमें सेम मिलता है, लेकिन जो जो मोबाइल फोन है जो स्पार्क 20 प्रो प्लस ये थोड़ा सा स्लिम है बनिस्बत स्पार्क 20 प्रो से, वो आप चेक कर सकते हैं कि ये एज होने की वजह से ये थोड़ा सा स्लिम फील होता है और जो स्पार्क 20 प्रो है ये थोड़ा सा हैवी फील होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें मॉडल की जो मेन चीज़ है मॉडल की इन्वाइसिस हैं तो इन्वाइसिस की बात करें तो स्पार्क 20 प्रो जो वेरियंट है इस मॉडल की जो इन्वाइस आई है ये एक ही मार्केट में वेरियंट आया जो कि स्पार्क 20 प्रो 8+8 रैम और 256 GB वाला मोबाइल फोन। इस मॉडल की इन्वाइस की बात करें तो ये 45,000 रुपये इस मॉडल की इन्वाइस रखी गई है, लेकिन ये आपको मार्केट से 3-4,000 रुपये डिस्काउंट रेट में मार्केट से इजीली मिल जाएगा। अब अगर हम बात करें 20 प्रो प्लस वेरियंट की तो इस मॉडल की जो इन्वाइस आई है वो
और ये भी 8+8 रैम और 256 GB वाला वेरिएंट है। इन मॉडल की रैम मेमोरी सेम है, इनकी जो 20 Pro Plus की इनवाइस आई है वो 56,000 पे इनवाइस रखी गई है, लेकिन ये आपको मार्केट से 52,000 की रेंज में इजीली मार्केट से मिल जाएगा फिलहाल जो मार्केट में इन मॉडल के रेट चल रहे हैं। तो इन मॉडल के जो इन मॉडल में जो फर्क है कि इनके बैक कैमरा सेम है, फ्रंट कैमरा सेम है। इनके जो डिस्प्ले की बात करें तो इनमें थोड़ा फर्क है कि एक हमें IPS डिस्प्ले मिलता है, दूसरे में हमें एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। इनके चार्जर की बात करें तो वो भी दोनों मॉडल में हमें सेम क्वालिटीज के चार्जर दिए गए हैं। डिस्प्ले साइज की बात करें तो वो भी हमें सेम मिलते हैं। तो जो मेन फर्क है इनके प्राइस का डिफरेंट है कि एक की प्राइस जो 45,000 रुपये इनवाइस रखी गई है और दूसरे की 56,000 रुपये इनवाइस है, कि 10-11,000 रुपये इनकी प्राइस में भी डिफरेंस है। तो अगर आपकी रेंज जो 45,000 की रेंज है या 40 तक की रेंज है आपकी, तो स्पार्क 20 प्रो काफ़ी अच्छा वेरिएंट है, जो कि प्रोसेसर के लिहाज से भी और कैमरास के लिहाज से भी। और अगर आपकी रेंज 50 से ऊपर है तो ये 20 प्रो प्लस जो काफ़ी बेहतर मोबाइल फ़ोन है। इसमें हमें जो मेन चीज़ है जो मैं भूल गया, इसमें हमें जो फिंगर है वो भी हमें इन डिस्प्ले फिंगर मिल जाएगा, जो कि 20 प्रो में हमें साइड माउंटेड फिंगर दिया गया और 20 प्रो प्लस में हमें इन डिस्प्ले फिंगर भी मिल जाएगा का ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो ये था इन मॉडल का शॉर्ट सा रिव्यू। तो उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।